परमेश्वर का रास्ता. So the Bible says that Jesus is the way, the truth, and the light. बाइबल बताती है कि परमेश्वर जीवन सत्य और मार्ग है. So what is a man way and God's way are completely different. परमेश्वर का रास्ता और इंसान का रास्ता बिल्कुल अलग है. इंसान का आदमी का और लड़की का और लड़का का और बच्चा का ना. So human way, God's way is completely different. So परमेश्वर का रास्ता और इंसानों का रास्ता बिल्कुल बिल्कुल अलग है. If God's way and the human way same, then this world we could not able to live. अगर इंसानों करने का तरीका और परमेश्वर का तरीका एक जैसा हो जाए तो इस दुनिया में जीवन नहीं. So human way is how? इंसान कैसे कार्य करता है? Human way is me, मेरा मेरा मेरा. But God's way is everyone. परमेश्वर हमेशा दूसरों के बारे में बात करता है लेकिन इंसान हमेशा अपना ही सोचता है. God's way is to look for everyone. परमेश्वर हमेशा सबकी चिंता करता है. God's way is love everyone. परमेश्वर का सबके प्रेम करो. But human way. पर इंसान. मैं को लव करना, दूसरा को लव मत करना, मेरा को प्यार करना, मेरा को प्यार दे दो, दूसरा को नहीं. और दूसरा को प्यार करते हैं, मरते हैं, लड़ाई करते हैं, जरा आई ना. So that is how the human. तो इंसान ऐसे ही होते हैं. And human way is come, and then sometimes we put our way to God. और कई बार हम अपने रास्ते परमेश्वर के हाथों में देते हैं. So now today we are going to talk about way, God's way and human way prospecting completely different. तो आज पास्टर कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का नजरिया और इंसानों का नजरिया. God's way are completely different from man way. परमेश्वर का नजरिया और इंसानों का नजरिया. That is why in Isaiah chapter 53. Isaiah. Let us turn to Isaiah chapter 53, verse 8 and 9. के अंदर. Isaiah chapter 53 verse 8 and 9. The Bible saying, "For my thoughts are not your thought, and not your way are not my way, says the Lord. For the heavens are higher than the earth, so my way are higher than your way. My thought and then your thought." See, God's way are completely different in the human way. परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग है इंसानों से. मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है. Amen. So God said that my thought and your thought are completely different. परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा सोच और मेरी सोच बहुत अलग है. God's way is higher than your way. परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्तों से बहुत बड़े हैं. Human being is limited. इंसान सीमित होता है. We see only this much. हम हमेशा कुछ हद तक ही देख सकते हैं. You cannot see beyond. आप इस बिल्डिंग के पार क्या हो रहा है आप नहीं देख सकते. You see in this area. आप इधर कितना देख रहे हैं आसपास ही देख पा रहे हैं. But God sees all over the world. परमेश्वर पूरी दुनिया को एक समय में ही देख लेता है. You thought only this much. हम इतना सोचते हैं. God thought everything. परमेश्वर की सोच बहुत बड़ी. You thought only for dinner. आप सिर्फ सोचते रात को खाने में क्या बनाना है. But God thought for your whole life. परमेश्वर हमारे पूरे जीवन के खाने की बात करते हैं. And then you see, and then you eat only for one thing. आप एक चीज के बारे में ही सोचते हैं. But God's thought for all your life. परमेश्वर हर एक चीज के बारे में सोचते हैं. So there is in Isaiah 55 verse 10 and 9. इसलिए यशायाह 55 के 8 और 9 में God says that my way are completely your way. परमेश्वर कहता है मेरा रास्ता और तुम्हारा रास्ता. My thought are completely your thought. सोच और तुम्हारी सोच बहुत अलग है. And my thought is higher than your thought. और मेरी सोच तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी भी है. My way is higher than your way. मेरा रास्ता तुम्हारे रास्तों से ऊंचा है. See, हम कब तक कितना तक जा सकता है. You can go only 4-5 किलोमीटर. आप अकेले जा रहे हैं 4-5 किलोमीटर तक चल के जा सकते हैं. पैदल से 4-5 किलोमीटर भी नहीं जा सकता. So God can go beyond mile. तो परमेश्वर तो करोड़ों खरबों कितना ही जगह जा सकते हैं. And God can see beyond our imagination. परमेश्वर हमारी सोच के परे सोच सकते हैं. That is why we need to always put into God. इसलिए हमेशा परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को. When you put into me, human being. अगर आप इंसानों का जीवन देते हैं. Human beings are limited. इंसान सीमित होता है. And when you put to a human being, they will say only this much. इंसान थोड़ा ही बता सकता है. But God, when you come to God, पर आप परमेश्वर के पास आते हैं. God will say so many things. परमेश्वर बहुत सारी बातें कर सकता है. And you see so many things in this world. आप इस दुनिया में बहुत सारी चीजें देखते हैं. But when you come to God, पर जब प्रभु में आते हैं. God will show you so many things that you never thought, you never see. जो चीजें आपने कभी देखी नहीं है, सोची नहीं है, परमेश्वर वो सब चीजें आपको दिखाता है. That is why God's way is completely higher than our way. इससे परमेश्वर का रास्ता और उसकी सोच हमसे अलग. As I come to God, पास्टर कहते हैं मैं प्रभु में आया. I never know that I will be here in Delhi. पास्टर कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दिल्ली में.
पास वाणी करूं आई टोल्ड देम माय वे माय थॉट इज ओनली लिमिटेड इन मणिपुर ओनली मैं आपसे बोल रही हूं कि मैं जिंदगी में मणिपुर के गांव में ही रहने वाली हूं एंड आई टोल्ड देम माय गांव इज द बेस्ट गांव पास्टर बोल रहे कि मेरा गांव सबसे बढ़िया गांव है आई टोल्ड देम अगेन ऐसा सोचती थी पास्टर बट व्हेन वी कम टू गॉड जब प्रभु में गॉड पुट अस द हायर देन माय विलेज पास्टर कह रही परमेश्वर ने हमको गांव से बाहर निकाल कर और बड़ी जगह एंड गो सी मी द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड और दुनियादारी की चीजें इनको दिखानी शुरू करी दिल्ली इज नथिंग दिल्ली तो कुछ भी नहीं है When you go beyond Delhi, अगर आप दिल्ली के बाहर भी जाएं, even India, भारत, more than Delhi, Mumbai is better. आप देखें दिल्ली से मुंबई और बड़ा है और अच्छा है. And more than Delhi, so many cities are very beautiful, clean. अगर आप देखते हैं दिल्ली अच्छा शहर है तो दिल्ली से अच्छे अच्छे. When you go to Manipur, अगर आप मणिपुर जाएं, Shillong is very beautiful. आप देखें शिलोंग एक जगह है जहाँ बहुत सुंदर है. Very clean. पूरी साफ और हरी भरी. And very nice and greenery. और बहुत अच्छा और बिल्कुल हरी हरी. And when you go to what is that Gujarat? अगर आप गुजरात जाएं, Gujarat also better than Delhi. गुजरात भी दिल्ली से काफी अच्छा है. And so you see that Delhi is the best. अब आपको लगता होगा दिल्ली में हम सोच रहे हैं ना हतेशनगर is the best gown. हतेशनगर बहुत बढ़िया है. लेकिन God created the very beautiful that beyond हतेशनगर. परमेश्वर ने तो इसके परे भी बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं. God thought that what is that Garuda? संतनगर ये मेरा गांव है मेरा परिवार है ये मेरा घर है ये मेरा क्या है किंगडम है तो हम लोग सोचते हैं कि जो जगह पे हम रह रहे हैं वही जगह सबसे अच्छी है एंड वी थॉट दैट दैट इज योर किंगडम आप सोचते हैं कि वही आपका राज्य है बट बियॉन्ड पर उसके परे देयर इज सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेस बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह गॉड हैज गिवन टू अस प्रभु ने बनाई है बट हाउ वी नीड टू नो पर करना क्या है यू नीड टू कम टू गॉड आपको प्रभु यू नीड टू सर्च द वे ऑफ गॉड आपको प्रभु के रास्ते खोजने हैं देन यू विल फाउंड हिम तभी आप पाएंगे दैट इज व्हाई टुडे वी टॉक अबाउट गॉड्स वे आर कंप्लीटली ह्यूमन वे तो आज हम बात करें परमेश्वर का रास्ता और प्रभु का रास्ता अलग है वी आर वेरी फैमिलियर टू दिस ह्यूमन बीइंग आर in the things of this world hum dekhte hain insaan ko jo duniyadari ki cheezon mein hi lage rehte hain we are very familiar with the man's way insaanon ka rasta hame samajh mein aata hai we are so familiar with the man's way insaanon ka rasta hame samajh mein aata hai but we are not familiar with god's way par parmeshwar ka rasta hame samajh se bahar hai god's way parmeshwar ka rasta is the mystery ek rahasya ki baat hai mystery rahasya you know god's way is a mystery that you can when you see Wow, God is so great. You will wonder. अगर आप परमेश्वर की चीजों को समझेंगे तो बिल्कुल रहस्य के जैसे और आपको लगेगा कि अरे क्या ही हो रहा है. So human way is this familiar. You see things, your people are same, and so many things familiar. अगर आप इंसानों को देखें कि काम करने के तरीके को देखें तो आपको काफी समझ में आ जाएगा. God's way, the more you know God. पर जितना प्रभु के पास जाएंगे, the more you discover. उतना ही आप देख पाएंगे. The more you know God. उतने ही प्रभु को जानेंगे. The more you become great. उतने ही महान बने. The more you know God. उतने ही प्रभु को जानेंगे. कमाना यू आर प्लानिंग फॉर सो मेनी थिंग्स आप अलग अलग चीजें सोच रहे हैं
अपने जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, कमाने के बारे में, but the Bible say, पर बाइबल क्या कहता है? My plan is higher than your plan. कि मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते से ऊंचे हैं. So more than your plan. तो जो आपने सोचा है, God has planned for you each day higher. प्रभु ने उससे ज्यादा बेहतर आपके जीवन का हर एक दिन को बना दिया है. But to receive those things. पर जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है उसको पाने के लिए, we need to search God. हमें प्रभु को खोजना पड़ेगा. If you didn't know and if you don't know the way of God, then you cannot find. अगर आप प्रभु को नहीं खोजते तो आप प्रभु के रास्तों को भी नहीं पा पाएंगे. And then also the Bible says God's way is a so mystery. बाइबल बताती है परमेश्वर का रास्ता रहस्य है. And God's way is higher above than heaven. और स्वर्ग से ऊंचा है प्रभु का रास्ता. And it's sometimes it's hard to understand. कभी कभी हमें समझने के लिए मुश्किल होता है. God's way is hard to understand. परमेश्वर का रास्ता समझना मुश्किल है. But when you have the Spirit of God. लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है. It's very simple. तो बहुत आसान है. But if you didn't have the Spirit of God. लेकिन परमेश्वर की आत्मा नहीं. Very difficult. तो बहुत मुश्किल. That is why many people say, oh Christian, बनने के बहुत मुश्किल है. क्रिश्चियन लोग झूठ मत बोलना, लड़ाई मत करना, माफ करना, दूसरा को हेल्प करना. सो नाउ इफ यू डिडंट हैव गॉड, डिफिकल्ट टू डू दिस थिंग्स. अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जीवन नहीं जी रहे, तो आपके लिए परमेश्वर के जैसा बनना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट व्हेन यू हैव गॉड, लेकिन अगर प्रभु आपके अंदर है, ऑटोमेटिकली इट्स कम. आप देखिए अपने आप ये चीजें आपके जीवन में अच्छी अच्छी आने लग जाती है. व्हेन यू हैव स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा, ऑटोमेटिकली यू लव पीपल. आपको अपने भी लोगों से प्रेम होना शुरू होता है. ऑटोमेटिकली यू हेल्प पीपल, अपने आप लोगों की मदद करने. ऑटोमेटिकली यू स्टॉप ड्रिंकिंग, अपने आप ही शराब पीना छोड़ देते हैं. ऑटोमेटिकली यू स्टॉप स्मोकिंग, अपने आप ही बीड़ी पीना छोड़ देते हैं. ऑटोमेटिकली यू स्टॉप फाइटिंग, अपने आप ही लड़ाई करनी छोड़ देते हैं. ऑटोमेटिकली यू स्टॉप काला जादू, अपने आप ही काला जादू करना. ऑटोमेटिकली यू स्टॉप व्हाट इज द आइडल वर्शिप, अपने आप ही मूर्ति पूजा नहीं करते हैं. सो व्हेन यू हैव गॉड, जब प्रभु आपके पास होता है, ऑटोमेटिकली गो अवे, अपने आप ही गलत चीजें निकल जाती है. बट इफ यू डिडंट हैव गॉड, लेकिन प्रभु की आत्मा अगर आपके अंदर नहीं, वेरी डिफिकल्ट. तो इधर जो छोड़ना बहुत आसान नहीं है. बाय योर स्ट्रेंथ, अपने सामर्थ्य, बाय योर पावर, अपने पावर, डिफिकल्ट टू गो, बहुत मुश्किल से बाहर निकलना. एंड देयर सम पीपल आर स्ट्रगल, और इसलिए आप देखिए बहुत सारे लोग आज भी परेशान है. बट व्हेन यू हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड, प्रभु की आत्मा आपके अंदर होती है, देन ऑटोमेटिकली तो गलत चीज को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है. आपका लाइफ इसी निकलता है. So that is why when you have God, और इसलिए जब परमेश्वर आपके पास है, very easy to follow, तो बड़ा आसान है अच्छे काम करना. But if you didn't have God, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं, by your strength, by your power, तो अपने सामर्थ्य से, अपना सोर्स से, अपना स्ट्रेंथ से, सतीश भैया दोनों सतीश भैया इधर है. So very difficult to stop drinking. आप ये देखिए कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, तो अपने ही सामर्थ्य शराब छोड़ना मुश्किल. रोज मांगते हैं, रोज शरीर मांगते हैं, शरीर मांगते हैं, और हम लोग का यू नो सैतान मानता है. बट डिफिकल्ट, बट व्हेन क्राइस्ट कम इनटू आवर लाइफ, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, ऑटोमेटिकली दिस थिंग गो, धीरे धीरे अपने आप ही चीज चली जाती है. देन यू जस्ट स्टॉप, तो आप रुक जाते हैं. एंड ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्सन ऑलवेज ट्राई टू किल, स्टील, जेलसी, एनवी, एंगर, ऑल दिस थिंग, व्हेन क्राइस्ट कम. और ऐसे देखिए कोई इंसान है जो गुस्सा करता है, जलन करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, और जब परमेश्वर को इन पर अपना लेता है, सो व्हेन यू कम टू गॉड, जब प्रभु के पास आते हैं, गॉड कम टू यू, जब प्रभु आपके अंदर आता है, ऑल दिस थिंग ऑटोमेटिकली, तो ये गंदी गंदी चीजें अपने आप ही आपके अंदर से निकल जाती है. सो यू आर नॉट स्ट्रगल, तो आपको परेशानी नहीं होती. बट लेकिन इफ द पर्सन डोंट नो जीसस, लेकिन अगर कोई इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता, गॉड इज नॉट कमिंग टू देयर लाइफ, आपके अंदर नहीं आया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो समझना ही बहुत मुश्किल है. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्या नहीं आप मोती को गॉड नहीं करना ना, सो दे आर एंग्री, व्हाई दे से दैट मोती इज नॉट गॉड. तो अगर आप किसी इंसान को बोलेंगे मूर्ति पूजा मत करो, तो प्रभु की आत्मा उसके अंदर नहीं है, तो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है. एंड दे विल से नो, एंड दैट दे वर एंग्री विद यू, और इसलिए वो आप पर गुस्सा भी करेंगे. इफ यू से डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, दे वर एंग्री. अगर आप बोलोगे ना प्रिया शराब मत पिया करो, सिगरेट मत पिया करो, तो आप पर चिल्लाएंगे. इफ यू से फॉरगिव अदर्स, अगर आप बोलोगे ना प्रिया उसने गलती कर दी कोई बात नहीं, माफ कर दो, तो आप पे गुस्सा आएगा. देन दे विल से नो, मैं सही है, ये गलत है. सो दे विल डिफिकल्ट टू स्ट्रगल, आई नो. इसलिए उन लोगों को अच्छी चीज अपनाना बहुत मुश्किल होता है. बट व्हेन गॉड कम इनटू योर लाइफ, प्रभु आपके अंदर आता है, दिस थिंग इजी टू गो, बड़े आराम से आप इन चीजों कर पाते हैं. एंड इट्स इजी टू प्रैक्टिस गॉड्स वे, परमेश्वर के रास्ते में चलना आसान. दैट इज व्हाई गॉड्स वे फॉर पीपल हु डोंट नो गॉड इज हार्ड, इसलिए जो लोग प्रभु को नहीं मानते फिर प्रभु के रास्ते में चलना भी मुश्किल है. बट व्हेन यू हैव गॉड, लेकिन जब प्रभु होता है, Christ come into you, मसीह आपके अंदर आता है, automatically go away your mind. तो आराम से सब चीजें हो जाती हैं. Then you stop singing, you stop drinking, तो शराब पीने छोड़ देते हैं, काला जादू छोड़ देते हैं. अंदर से कोई नहीं आपका घर में नहीं बताया, you know, the idol निकालो, ये निकालो, तो automatically अपना से आप निकलते हैं. So that is the how the God's way is. तो परमेश्वर का रास्ता बहुत ही अलग होता है.
So now when you have God, जब प्रभु आपके अंदर everything easy to go. तो आपके अंदर से गलती जो तुम्हारे अंदर आ रही है, पर प्रभु नहीं है. Very difficult to go. तो बहुत मुश्किल है. That's why the world never leave. इसलिए दुनिया में देखिए, सब लोग मालूम है कि गलत है. Sometimes, no, that they know the truth, but difficult to come out. आज दुनिया में सब लोगों को पता सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी गलत करते हुए रुक क्यों नहीं पाते कि प्रभु की आत्मा उनके अंदर नहीं है. And then also the Bible says the knowledge of God is higher. बाइबल बताती है परमेश्वर की बुद्धि बहुत ऊंची है. But लेकिन the knowledge of this world, लेकिन इस दुनिया की you are getting from university, you are getting from books, school से, you are getting from business, किताबों से, you are getting from your parents, व्यापार से, माता पिता, you are getting from the church. आपकी पढ़ाई से ऊपर, बियॉन्ड योर कॉलेज, आपके कॉलेज से ऊपर. See, I did never go to college. आपसे कहीं मैं आज तक कॉलेज नहीं गई हूँ. In the Delhi University. Delhi University में. But I go to Bible College. पर बाइबल कॉलेज में ही है. So now the way of human and the knowledge of God is higher than human knowledge. तो पास्टर कह रही है इंसानों की बुद्धि से ऊपर, इंसानों के ज्ञान से ऊपर परमेश्वर का ज्ञान है. Amen. Amen. So God's way is completely different. परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग है. Your parents will say like this. आपके माता-पिता कुछ कहेंगे. But God will say like this. पर परमेश्वर कुछ अलग कहेगा. So that is why all the Bible we see. और इसलिए हम सारी बाइबल में देखते हैं. God's way say, God say love your enemy. परमेश्वर ये कहता है दुश्मनों से प्यार करो. But human say, पर इंसान क्या बोलेगा? If don't love your enemy. अरे दुश्मन से नफरत करो. And if your Bible say that if you beat somebody beating you face. पर बताते हैं कि अगर कोई इंसान तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मार दे. Then give another face also. तो दूसरा भी गाला ही करो. See, God's way is completely different. परमेश्वर का रास्ता इंसानों से. God say love one another. परमेश्वर कहते हैं तुझसे प्रेम करो. God say love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम करो. But human being what we do? पर इंसान क्या? When our enemy, अगर हमारा दुश्मन हमारे सामने आ जाए, we didn't love. हम प्यार थोड़ी करते. We fight. गुस्सा करते. God say you forgive others. परमेश्वर तो कहते हैं माफ कर दो. We didn't forgive. पर माफ नहीं. हम revenge लेते. हम बदला लेके छोड़ते. So that is how the human way. इंसान ऐसे ही करते हैं. So Bible say that is why, and then we see the Bible today. I was just keep attention. I will finish soon. So let us turn to the book of Joshua. तो खोलते हैं योशू किताब. And Joshua is the book of Old Testament. After Deuteronomy, Joshua will come. Joshua chapter 6. This story is very beautiful. God's way completely different. Joshua chapter 6. Okay, Priti, you read fast. Joshua chapter 6, verse 1 to end. You know? I will just tell you. You just read 1 to 10, 21st. Yeriho ka patal. यहोशू छठा अध्याय पहले वचन से. यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था. फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ. इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूमन और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना. और सात याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंहों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले. फिर सातवें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले. और जब वे मेढ़ों के सिंहों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़े ध्वनि से जय जयकार करें. तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे. इसलिए नून का पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो. और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले. फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियार बल पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले. और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कह चुका तो 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला. और हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले. और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना. So now God's way are completely different. परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग. Now Israelite, they were
about Israelite in the bondage in Egypt, Moses was bring out. The pastor ने पिछली बार बताया कि जो इजरायली लोग थे वो मिस्र में बंदी बने हुए रह रहे थे. And then now what is that? और उसके बाद Moses died. और मूसा जब इजरायलियों को बाहर निकाला और वो आगे लेकर गया तो बीच में मूसा मर गया. Last Sunday I talk about. The pastor ने पिछली बार बात. So today what we are seeing. When the Moses died, जब मूसा मर गया, Joshua was the leader. परमेश्वर ने यहोशू को अगला अगुआ किया. So now they are not entered to promised land. अभी तक मूसा इज़राइलियों को परमेश्वर ने. They need to go to promised land. बाहर की जगह तक नहीं लेकर गया. There are so many countries. बहुत सारे देश थे. They need to cross over. उन्हें पार करना था. So now they need to enter to Jericho. अब उन्हें यरीहो में घुसना था. See, आप मणिपुर से नहीं दूसरा देश जाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए. अगर आपको एक देश से दूसरे देश जाना तो पासपोर्ट होना चाहिए. So without passport you cannot cross. बिना पासपोर्ट के दूसरे देश नहीं जा सकते. Passport is that you have a seal, that you have a visa, that you have a permit to go to Dubai. तो जैसे बोल को यहाँ से दुबई जाना है, भारत से दुबई जाना तो पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, तभी आप जा पाए. And you can go anywhere in India. आप भारत में बिना पासपोर्ट के कहीं भी घूम सकते हैं. Without passport. बिना पासपोर्ट. You can go with Aadhaar card, ID proof. Aadhaar card, ID proof से आप फ्लाइट में भी घूम सकते हैं. But if you want to go to another country. लेकिन अगर भारत देश छोड़ के कहीं और जाना है. You need to go with a visa. तो पासपोर्ट और वीजा चाहिए. And then you need to have met first passport. Then from the passport you need to be apply visa. पहले पासपोर्ट होना चाहिए. पासपोर्ट के बाद आपको वीजा अप्लाई करना. I went to many country, seven country. पास्टर कह रही मैं सात देशों में गई हूँ. I apply visa. पास्टर ने वीजा. First I apply my passport. Passbook. Then I apply my visa. पहले पासपोर्ट आया. What is the visa? वीजा क्या होता है? Visa is that you are go to the government, another government. If I want to go to Dubai, I will go to the Dubai embassy. I want to go to Dubai. I get the permission. They say yes, then I will go. They say no, they reject it, then I cannot go. So they will give you permission. How many days you write? 15 days, 20 days. तो पासर यहाँ पे उदाहरण दे रही है. जैसे भारत से आपको दुबई जाना है तो भारत अगर आप देखें दिल्ली में अलग अलग तरह की एम्बेसी है, मतलब अलग अलग देशों ने अपने अपने ऑफिस खोले हुए हैं. तो दुबई के और जो दुबई का ऑफिस दिल्ली में है आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से बात करेंगे कि मुझे दुबई जाना है तो क्या दुबई देश जाने के लिए आप मुझे 10 दिन 15 दिन का परमिट दे सकते हैं. फिर वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि हम कितने सही भारतवासी हैं कि नहीं है, टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते. अगर हमारे पास कुछ भी गलत है, कोई लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है तो हम बाहर नहीं जा सकते. तो परमिशन लेने के बाद ही हम आ जा सकते हैं. So now everything clear. तो हर एक चीज ऐसे. Then they will give you for 15 days, whatever you asking. तो जैसे मान लो आपने बोला कि मैं 15 दिन तक जा रहा हूँ, 15 दिन का डॉक्यूमेंट बना दो. Then you go. तो अगर वहाँ जाते हो. Without permission. बिना परमिशन. You cannot go. आप नहीं जा सकते. So the same thing. इसी तरीके से. Now Israelite people. अब इज़राइल के लोगों को. They need to go to promised land. अब उन्हें परमेश्वर की वादा की जगह पे जाना. So now they need to cross over the Jericho wall. तो उन्हें एक यरीहो के शहर का नाम, मतलब एक किले को पार करना पड़ता. So this Jericho wall is they met by Jericho people, that Israelite people are coming and they are fight the battle. तो बादशाह कह रही है कि यरीहो की जो शहरी हो जगह है, यरीहो के बाहर से उसकी शहर बना थी, किला बना हुआ था, उन्हें उसके पार करना था ताकि लड़ाई करने के. And you see, God is the one who bring the Israelite people. आप ये देखें परमेश्वर ने जो इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाल दिया. So now they enter to the another country. अब जैसे उन्हें एक दूसरे देश में घुसना है. And now their wall is just like a lal kila. अब उनके जो शहर बना है लाल किले की दीवार की जैसे है. That is called Jericho wall. उसको यरीहो की शहर पना कहा जाता है. Now they didn't have gun, they didn't have bomb, they didn't have atom bomb. अब पहले के समय में atom bomb और rifles तो नहीं होती थी. So difficult to cross. तो उनकी लड़ाई करना और शहर पना को क्रॉस करके आगे बढ़ना मुश्किल. And if they cross also they need to fight. उन्हें पता है क्रॉस कर भी लिए तो वो लोग भी तो खड़े थे लड़ने. Then they need to capture. तो अब उनको उसके ऊपर कब्जा भी करना है. Then they can enter. तभी घुस पाएंगे. Otherwise they cannot enter. For example, Pakistan come to India, there were fight between because they were not able to enter. So the same thing Israelite and Jericho people they fight. ऐसे अगर पाकिस्तानी लोग भारत में घुसना चाहेंगे तो border पर लड़ाई करनी पड़ेगी, जीतना पड़ेगा, पार पाना पड़ेगा, तभी वो घुस पाएंगे. So I'm talking about today here God's way. इसलिए आज पास्टर परमेश्वर के रास्ते के बारे में बता. So now God has different way. परमेश्वर के अलग रास्ते हैं. So God told to the Joshua the leader. परमेश्वर ने यहोशू जो अगुआ था उससे कहा. But you are leading these people from Hades Nagar to this earth. तो जैसे कि परमेश्वर ने आदर्श नगर से लोगों को यहाँ पर लाया. So now God, you know, you need to sit bus. That's how this way I will lead in different way. So that is how the things happen here. So now what is that?
that Jericho wall they need to cross. तो ऐसे ही इज़राइल ने वो यरीहो की शहर वाला को क्रॉस करना था. So the wall is too big. अब वो शहर बना इसलिए surrounded by the whole country. पूरा जो देश है वो एक शहर बना से कवर हो रखा है. And only one gate. सिर्फ एक ही गेट. And the gate was blocked. और गेट बंद. Because they know that these people are coming. उनको पता है कि ये इज़राइली घुस जाएंगे तो दरवाजा बंद कर रखा है. And then now what they do? तो उन्होंने क्या किया? They pray to God. They thought that they will fight and they will enter. अरे ठीक है लड़ाई करके घुस जाएंगे ना हम तो. That is the human plan. इंसान तो यही बोलेगा लड़ाई करो घुसे मारो घुस जाओ. They thought that they will throw down bomb blast करके wall को निकल लें. उन्होंने सोचा कि जो दीवार है उसमें ब्लास्ट करके घुस जाएंगे अंदर. Then God told God has different plan. लेकिन परमेश्वर की योजना अलग है. God said to Joshua. परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? Joshua. यहोशू. Come. Out. I will tell you. मैं तुम्हें बताऊँ. How to enter. कैसे घुसना है? No need to fight. लड़ाई नहीं करनी. Don't do anything. कुछ नहीं करना. But. लेकिन. Tell to the Israelite people. इस्राएलियों को बोलो. 7 days. 7 days. You need to move around the शहर बनाकर चक्कर लगाना. सिलाल किला आपको 7 days घुमाओ करेगा तो आप सोच लेंगे ना ये पुलिस है पागल है. So God told to move around Jericho 7 days. तो परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा कि यरीहो की शहर बना के आसपास 7 दिन चक्कर लगाना है. Don't fight. लड़ाई नहीं करनी. Don't talk. बात भी नहीं करनी. Silent. चुपचाप चक्कर लगाना. This Israelite people, millions of people. अब आप ये देखो इज़राइलियों समय लाखों थे. There are another no the whole country they need to go to the promised land. आप देखिए पूरे देश को भी उसके अंदर घुसना है. They come out from Egypt. वो इजिप्ट मिस्र से बाहर आ रहे हैं. See the whole India. आप देखिए पूरे भारत. You need to go to China. अगर चाइना जाना पड़ जाए. Then there is the China wall of Great Wall of China. तो Great Wall of China cross करना पड़ेगा. See now then what you need to do? तो क्या करोगे? So the same thing here. ऐसे ही यहाँ. The Jericho wall. तो यरीहो की शहर बना. There there. उसको पाकर तो मौसे था जो परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? Bring the 7 priests. 7 याजकों को लेकर आओ, पंडितों को लेकर आओ. And then what is the trumpet? You blow the trumpet. एक जो trumpet होता है, चुस्राई टाइप जो भोपू बजता है. So those that you see in the Bible song, a lot of trumpet. आप देखिए बाइबल में भी आप देखते हैं तो बहुत सारे मतलब भजन गाते हैं वो लोग अलग अलग संगीत को यूज करते हैं संगीत के. So now God told to Joshua, tell to your people, 7 days move around the wall, and then also tell the priest to carry the altar and put the trumpet. तो परमेश्वर ने बोला यहोशू को कि 7 याजकों को ले और बाकी भी सारे लोगों को लो, परमेश्वर की वेदी को लो, उनके जो भोपू है उनको भी लो और वो सब लेके यरीहो की शहर बना के 7 दिन चक्कर लगाओ. And Joshua also doesn't know what is going to happen. यहोशू भी कह रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है जो प्रभु कह रहे करना है. Because he don't know that this wall will break down. उसे नहीं पता कि ये दीवार टूट सकती है. 7 days you move around this house will not fall. अब अगर आप चर्च पे 7 बार के 70 बार भी आएंगे चर्च थोड़ी टूट जाएगा. But God's word completely different. परमेश्वर ने तो अलग ही बोला. God told them move around 7 days. परमेश्वर ने कहा कि उस किले के आसपास 7 बार चक्कर लगा. And don't talk anything. बिना बात कर चक्कर लगा. No singing. No talking, कोई शर्म, no complaint, गाना नहीं गाना है, भजन नहीं गाना, शिकायत नहीं करनी, बस चुप होके 7 दिन चक्कर लगाने. Then Joshua obeyed. Joshua told them everyone. Joshua ने सबको समझा दिया. Every day early in the morning. हर रोज सुबह. All the people come out. सब लोग बाहर आ जाओ. Be silent. चुपचाप होके चक्कर लगाओ. Only priest will put the trumpet. और याजक ही लेकर जाएगा. Then they will move around. और वो आसपास घूमेंगे. See the Jericho wall is very big. आप देखो यरीहो की शहर बना बहुत बड़ी. And they move around Monday. और वो सोमवार को गए होंगे. Morning to evening. सुबह से शाम. One round. एक राउंड लगा रहा था. Then they come back. वापस आ गए. They come back and see. और आगे रात Tuesday. मंगलवार को they move around. फिर एक चक्कर लगाया. Wednesday. बुधवार को. They move around. फिर गुरुवार. People were thinking that ये बजोसो पागल है. हम लोग को रोज लेके जाते हैं. ये क्या हो रहा है? हम लोग को इसे गाना भी नहीं गाया, पाठना भी नहीं कर रहा, इसे घुमाता है. So now people were thinking that what kind of road, what kind of way this is. तो लोगों ने सोचा होगा अरे ये यहोशू पागल हो गया क्या, क्या हमें बस कुछ बोलने लगा क्या, चक्कर लगाओ ना बात करनी है ना तलवार चलानी है ना कुछ बोलना है, बस चक्कर लगाओ कर रहा है. Then now they moved around the 6th day. अब 6 दिन तक उन्होंने ऐसा किया. Then 7th day. और 7वें दिन प्रभु ने कहा take the altar also. Those days they used to carry the altar. उस समय वो परमेश्वर की वेदी को उठाके घूमते. So this is the altar. जैसे ये यहाँ पर एक we call now. इसको हम अभी परमेश्वर की वेदी कहते हैं. But in Israel time. इस्राएल के समय में they used to carry the altar. पहले के समय में इस्राएल के समय में वेदी को उठाके घूमते थे. So
So out there is the God dwelling place. वैसे मतलब तो कहते हैं परमेश्वर यहाँ पर रहता है. So wherever they go, जहाँ भी जाते थे, they used to carry. तो दो लोग आगे. And that carry also the holy people. और वो भी जो लोग उठाते थे, बहुत पवित्र लोग माने जाते थे. And priest people. फिर याचक. Priest also the high priest. याचक भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत high class के याचक को भी touch करने देते थे. The very pure and God spoke direct people. जिससे प्रभु directly बात करता है ऐसे लोगों को. Not that you know, सोता-सोता मंदिर, सोता-सोता सोता-सोता पंडित, सोता-सोता पास्टर. No, there will be a super priest people that will get. तो बहुत अति-अति पवित्र लोगों को, बहुत बड़े-बड़े पंडितों को ले जाके उस व्यक्ति को हाथ लगाया दिया जाए. So now the 6 day complete. 6 दिन पूरे हो गए. 7 day. 7वें दिन. God told them. प्रभु ने कहा. Carry the altar. अब फिर से सब सामान उठाओ. 7 priests. अब फिर से सात याजकों लेकर जाओ. And they move around. अब फिर से घूमो. The 7 priests will fast line. जो जो सात याजक सबसे आगे खड़े होंगे. And they will hold the trumpet. और उस भोपू को बजाएंगे. And they will move around. और घूमेंगे. All the children, be you know, mother, grandmother, grandfather, nobody stay in home. तो वो कोई भी घर पे नहीं रहेगा. Everyone is likely to move. सारे इजराइलियों को बाहर आना है. They move around the Jericho wall. उन्हें यरीहो की शहर पता के आसपास घूमना है. So they moved that 6 day finish and 7 day. सातवें दिन. They don't know what is going to happen. नहीं पता क्या होगा. So everyone thinking the last day today is we are going to stop moving this. सातवें दिन लोगों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा. And they finished the ground. उन्हें ग्राउंड खत्म किया. Then when they put the trumpet. उन्हें जब भोपू बजाया. Then Jericho wall was collapsed. तो यरीहो की शहर पर टूट गई. Without fighting, बिना लड़ाई के, without anything, बिना कुछ के, silently, चुपचाप, God come and destroy the wall of Jericho. प्रभु ने यरीहो की शहरपनाह को तोड़ दिया. Just like Red Fort. जैसे लाल किले के जैसा. More than that also we do. लाल किले से कहीं बड़ा ही होगा. I went and see Jericho wall still there. आज भी आते हैं देखा यरीहो की शहरपनाह आज भी वहाँ है. Still today people used to go and see. आज भी लोग जाके देखते हैं. When you go to Israel, अगर आप इस्राएल जाएं, you will see the Jericho wall. आप यरीहो की शहरपनाह देखें. So the big wall, God is the one who come and destroy. एक बहुत बड़ी दीवार तो प्रभु ने आकर तोड़ा. And now they enter to the Jericho. अब वो यरीहो के अंदर जाते हैं. And they go through. लड़ाई करते हैं. Then that time all the Jericho people. तब सारे यरीहो के लोग. They were afraid. उन्हें डर लग रहा. How come this wall are destroyed? अरे दीवार टूटी कैसे? They were so wonder. वो सोच रहे थे. They were so afraid. वो इतने डरे हुए थे. Amen. Amen. Uncle, आप इधर मत बैठो. हाँ, आप इधर आओ. Don't sit here. अंकल जी आप इधर आ जाइए. हाँ. ये वो आपका बेबी का पीछे में. आप इधर आओ. हाँ. So now the you see the Jericho wall was just moving 7 days and fall down. आप ये देखिए यरीहो की शहर पर 7 दिन चक्कर लगाने से गिर गई. No man, no body. रास्ता बिल्कुल अलग. ह्यूमन वे इज फाइटिंग एंड लड़ाई एंड बॉम्ब्स एंड यू नो guns and to destroy people. इंसान लोग लड़ाई करते हैं हमेशा हाथों से और अलग अलग वेपन से, लेकिन परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग. God's the way he do. जिस तरह प्रभु काम करता है. This all the Israelite Joshua doesn't know what is the mystery. सारे इजराइली के भी यहोशू को भी नहीं पता था कि रहस्य क्या है. But when they see the victory. लेकिन जब उन्होंने दीवार को टूटते हुए देखा. The wow, God is so great. अरे वाह, परमेश्वर क्या क्या करता है. He himself destroyed the wall of Jericho. उन्होंने दीवार को तोड़ दिया, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया. God want obedience. पर परमेश्वर क्या चाहते थे कि वो उसकी आज्ञा पालन. Why God told them to 7 day round? क्यों परमेश्वर ने उन्हें 7 दिन चक्कर लगाना है? God want to see their patience. परमेश्वर को धीरज देखना चाहता था. God want to see their humble. उनकी विनम्रता को देखना चाहता था. Because human being no patience. लेकिन इंसान में धीरज नहीं होता ना. Human being no humble. इंसान नम्र भी नहीं होते. That is why God told them to move around. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि चक्कर लगाओ. He want to see the human. परमेश्वर देखना चाहते कि चक्कर लगाओ. See, sometimes you want to do something. कभी तुम्हें कुछ करना है. We are not patient. हमें धीरज नहीं. हम सब बीमार होते हैं. हम पेशेंट नहीं होता. प्रभु आस बीमारी को निकालना. आस संगाई करना. See, that is our demand. हमारी हमेशा इच्छा ऐसी रहे. आस पैसा देना. आस मेरा लड़ाई को खत्म करना. आस मेरा दुश्मन को मारना. ये हम इंसान का दिमाग नहीं है. So God, human way is like that. इंसानों का रास्ता ऐसा ही है. But God's way. पर परमेश्वर का. When God
do things, जब परमेश्वर कुछ करता है, nobody cannot stand. तो कोई नहीं खड़ा रह सकता. See, when the Jericho wall destroyed, जब यरीहो की शहरपनाह टूटी, nobody cannot stand. कोई नहीं खड़ा रह पाया. Even Jericho people cannot come and stand. यरीहो के लोग भी नहीं खड़े रह पाए. And they cannot blame the Israelite people. और वो इज़राइलियों को शिकायत भी नहीं कर सकते. Because they are not the one who destroyed. क्योंकि इज़राइल ने तो हाथ भी नहीं लगाया दीवार. They are just move around. वो सिर्फ घूम रहे थे. God only come and destroy. परमेश्वर ने आके तोड़ा. So they didn't see God. वो परमेश्वर को दिखाई नहीं दिया. And how they cannot fight it? इज़राइल भी नहीं कर सकते. Because they are not. उन्होंने करा ही कुछ नहीं. See, मेरा क्या है, आप लोग का घर में आके तोड़ेगा तो मैं आप लोग मेरा को मारेगा, है ना. लेकिन जेरिको वालों को भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने नहीं तोड़ा. वो मालूम नहीं था एक किसी गिर रहा. So that is the things that the way God do bring us peace and love. तो इसलिए परमेश्वर का जो रास्ता होता है हमारे जीवन में शांति और प्रेम लेकर आता है. So God's way is higher. परमेश्वर का रास्ता ऊंचा है. But you our way. लेकिन हमारा रास्ता is now. हम कहते हैं अभी अभी. So now God also testing here the Israelite people patient. परमेश्वर यहाँ पर इस्राएलियों के धीरज को टेस्ट कर रहे हैं. He also testing the दो दिन कम्प्लेन हो जाएगा आप लोग की पासा क्या बोल रहा है, रोज पागल तरफ में जा रहा है ना. आप ऐसा नहीं, मैं मेरा काम है, मैं नहीं जाएगा आज तक. सब लोग रोकेगा. बट There is a blessing for us. लेकिन इन चीजों के पीछे भी एक आशीष है. So to get the God blessing, तो परमेश्वर की आशीष पाने, to get the God victory, परमेश्वर की सफलता पाने, we need patience, हमें धीरज चाहिए, we need humble, नम्रता चाहिए, so that you will reach the place that you want to. ताकि जिस जगह पे वो पहुंचता है वहां पहुंचे. If you want to get that money, अगर आपको पैसा चाहिए, we need a patience, धीरज चाहिए. How patience? कि कैसे चाहिए? How to get job? कैसे नौकरी चाहिए? How to do business? कैसे व्यापार चाहिए? शॉर्टकट मिलेगा. शॉर्टकट से पैसा मिलेंगे तो यू गो एंड स्टील योर बैंक, यू गो एंड रोब द बैंक. आप बैंक में जाओ, चोरी कर लो, पैसा ही पैसा है. अभी अभी आप हजार हजार जाइए बैंक, चलो रुक कर लो, तो नेक्स्ट का कहा जाएगा, जेल पहुंच जाएगा, आपको मरेगा. So now human being is not, our way is death. तो इंसानों का जो तरीका है वो मृत्यु के पास लेकर जाता है. But God's way is life. लेकिन परमेश्वर का रास्ता में जीवन के पास लेकर जाता है. And God's way always testing your faith. परमेश्वर हमेशा हमारे विश्वास. कभी कभी हम लोग लाइफ में बीमारी आता है. क्यों? क्योंकि प्रभु मालूम है, बीमारी नहीं है तो हम प्रभु को मालूम नहीं. हम लोग का लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो हम प्रभु के पास नहीं आता. हम लोग का लाइफ में प्रभु नहीं है तो हम बाइबल नहीं पढ़ता, प्रे नहीं करता. लेकिन नहीं आता, सैतान लेके आता है. लेकिन प्रभु अलाउ करते हैं, ये करने दो तो मेरा पास आएगा, तो मैं वो को ठीक करेगा. तो हम और sometimes God not giving suddenly. कई बार परमेश्वर हमें अचानक सब कुछ नहीं देते हैं. Because when you God give you suddenly, उन्हें पता है आपसे अभी मांगा अभी दे दिया तो you are not believing God. अगली बार परमेश्वर से पूछेगा तो से आपका पास में 1000 है तो आप एक रुपया को वैल्यू नहीं होगा. तो हम लोग का पास हजार भी नहीं है तो एक रुपया भी इतना वैल्यू है. So now sometimes things happen in our life, God want to value him. तो इसलिए कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर गलत चीजें होने देते हैं, अलाउ करते हैं, ताकि हमें परमेश्वर की छोटे छोटे आशीषों की अहमियत पता चल जाए. But these are not given by God, शैतान bring. परमेश्वर बीमारी नहीं आता, परेशानी नहीं लाता, एक्सीडेंट नहीं लाता, शैतान करता है. But God also seeing your faith. पर परमेश्वर कहते हैं चलो होने तो देखता हूँ मेरे बच्चे का विश्वास कितना है. He will come to me or not? क्या ये मेरे पास आएगा या खुद ही? Or you will repent or not? पश्चाताप करेगा? Why Satan come and destroy you? शैतान आके क्यों आपको परेशान करेगा? Because of your sin. आपने पाप किया. आप गलत करेगा तो शैतान आपको मारेगा. और क्या है? So now you open the door for Satan. अब आपने शैतान की रास्ता खोल रखा है. And Satan come. And God knows that Satan cannot heal you. अब परमेश्वर को पता है कि शैतान आपको चंगाई नहीं दे सकता. And God knows that Satan cannot give you solution. पता है शैतान आपको रास्ता नहीं दिखा सकता. And God knows that Satan cannot bring your peace. ये आपको शांति नहीं दे सकता. So you need to do it. उसे करना ही पड़ेगा. So now how you need to? क्या करना है? Then you come to God. अब आपको परमेश्वर के पास जाना ही पड़ता है. Please प्रभु मेरा कोई निकाल दो. तो प्रभु निकालते हैं तो हम प्रभु को विश्वास करते हैं. हाँ प्रभु सच्चाई है, प्रभु मेरा को प्यार करते हैं, प्रभु का वजह से मैं जिंदा जिंदा है, प्रभु का वजह से मैं ठीक हूँ भैया, मैं खत्म करने जाना मत. So that is the things that how God works. तो परमेश्वर का काम ऐसा ही है.
So that is why God's way are completely different. इसलिए परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल. So कभी-कभी आपका लाइफ में, something problem happen, but you need to have a patience. तो कभी-कभी मैंने जो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन परेशानी के बीच में भी विश्वास रखना है. And you need to have a patience and faith. और भरोसा रखना है. Then you will see the glory of God. तभी आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. Then you will see the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे. Then you will see the glory, mighty of God. परमेश्वर की महानता को देखेंगे. But if you didn't have patience, लेकिन अगर धीरज नहीं है, then you will not see God's power. तो परमेश्वर की सामर्थ्य को भी नहीं देख पाएंगे. आपको चिंता था, तो बीमार था, तो ठीक नहीं, तो आप पेशेंट नहीं था, तो गला जादू का पास आया, तो कहाँ से आप ठीक करने का देखेंगे? बीस में प्रभु आपका विश्वास दिख रहा था. God is testing you. Then 2-3 days, 1 month, you are not fine. Then you say that you turn around to idol. अगर हमारे लिए तो परेशानी है, अपने परमेश्वर को गुहार लगाई, परमेश्वर को खोजा, एक दिन, दो दिन, एक महीना और कुछ नहीं हुआ, तो वापस हम मूर्ति पूजा करने लगते हैं. परमेश्वर कहता है, जब मेरा विश्वास देखना तेरा परेशानी में, तुमने दिखाया ही नहीं. Then you will not see the power of God. तो परमेश्वर के सामर्थ्य को बिना धीरज के कैसे देखेंगे? But when you have patience, लेकिन जब आपने continue faith in God, आप विश्वास में continue trust in God, भरोसा रखते रहेंगे, and you continue follow God, आप परमेश्वर में चलते रहेंगे, then you will see the power of God. एक दिन आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे. See now that God told them to 7 days move around. ऐसे ही परमेश्वर ने यरीहो के शहर पता के आसपास घूमने को 7 दिन के लिए कहा. If they stop 6 days, अगर छठे दिन रुक जाते, if they stop 5 days, पांचवें दिन रुक जाते, if they stop 4 days, चौथे दिन रुक जाते, if they stop 2 days, दूसरे दिन रुक जाते, then they will not see the Jericho wall. परमेश्वर के सामर्थ्य को यरीहो के शहर पता को टूटते हुए नहीं देख पाते. God will not destroy them. परमेश्वर को सातवें दिन के बाद. And they will not cross over the Jericho. और वे यरीहो के पास जाने. And they did not enter the promised land. परमेश्वर की वादे की जगह तक पहुंच नहीं पाते. But God see them patient. लेकिन परमेश्वर के धीरज को देखा. So without stopping. बिना रुके. They will be everything. तो चलते रहे हर रोज. So the end. तो अंत में. They will see the glory of God. परमेश्वर की महिमा को देखा. They got the victory. सफलता मिली. The same thing. इस तरीके से. Sometime in your life. कभी-कभी आपके जीवन में. Sometime. कभी-कभी. You open the door for devil. आप शैतान के रास्ता खोल देते. Then now Satan comes. शैतान आता है. Sickness. बीमारियां. Problem. परेशानी. Financial. पैसे की परेशानी. Your husband left you. या पति छोड़ देता है. Your wife left you. पति छोड़ देती है. Your family. Your brother sister not obey you. भाई बहन आपस में आपकी बात नहीं मानते. And now your family has problem. परिवार में परेशानी है. Because Satan come and destroy all these things. क्योंकि शैतान आपके जीवन में आके सब कुछ खराब कर रहा है. But God is looking at you. परमेश्वर आपको देख रहा है. इस चीज में, इन चीजों में, इन मुश्किल में आप प्रभु का विश्वास करते, आप प्रभु का पास आया, आप मन फेराया और नहीं, तो प्रभु देखते हैं. तो आप मन फेराया, प्रभु का पास आते हैं, एंड तक तो प्रभु आपको सुनगाई देंगे, तो प्रभु आपको प्रमोशन देते हैं, तो आप प्रभु आपको रास्ता खुला देते हैं, तो आप आपको प्रभु सलूशन देते हैं. बट आप मिडिल में बीच में स्टॉप करेगा, तो आप सलूशन भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला, रास्ता भी नहीं खोला, देन वी आर स्टक, देन वी आर कंप्लेन गॉड. और जब हम परमेश्वर के बीच में चलते, बीच में रुक जाते हैं, तो फिर हमें सलूशन नहीं मिलता, फिर हम परमेश्वर को ही शिकायत करते हैं और लड़ाई करते हैं. सो गॉड्स वे इज कंप्लीटली डिफरेंट. परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग. सो इन द लास्ट लेट अस सी. Let us turn to Proverb. हम खोलते हैं नीति वचन. Proverb 14. नीति वचन 14. Verse 12. Proverb 14 verse 12. नीति वचन 14 का 12. And Proverb 14 verse 12, the Bible says, there is a way, it seems, to be to right unto a man, but the end there are the way of death. See, human way is seem. मेरा रास्ता पक्का है. साथ जाएगा. You know, human wisdom, human knowledge, human way, human thought, human thinking, it seems to be right. But when you enter, there is a death. तो इंसानों की समझ, इंसानों का तरीका तो अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता अंत में मुझे मृत्यु को लेकर. जब 781 पेज नंबर 14 अध्याय 12 वचन, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है. See, there is a thing. The way human plan, the way human thinking without God. जब इंसान खुद सोचते हैं और करते हैं और परमेश्वर के हिसाब से नहीं करते, it's lead to death. तो मृत्यु ही होती. But God's way, लेकिन परमेश्वर का रास्ता, is lead to life. जीवन तक लेकर. The human way, how we lead to death? इंसान क्या करते हैं? We never think good things. हम कभी अच्छा नहीं सोचते. We always think bad imagination, bad thinking, try to destroy people like jealousy, envy, all these things. If you follow, then it will put to death. तो अगर जो चीजें आपके दिमाग में है, गंदगी है, जलन है, दुश्मनी है, झूठ है, तो ये चीजें हमेशा मृत्यु तक लेकर जाएंगी. So there is a human way. इंसान के रास्ते ऐसे ही. If you follow those things, अगर आप उन रास्तों के पीछे चल रहे हैं, put to death.
है तो मृत्यु तक की जाए when you follow God's way अगर आप प्रभु के रास्ते पे जा रहे हैं then you are saved तो आप सही जगह you have a life जीवन मिलता है see every day you think about yourself हर रोज अगर आप अपने बारे में सोचे कितना तक हम कितना तक 24 आवर में गंदी गंदी गलत गलत सोचते हैं और ऐसा पॉजिटिव सोचना इन दोनों में आप अपना सोच लो गलत आपने जीवन में देखो कि अगर हम पूरे दिन में कितनी बातें अच्छी सोचते हैं कितनी गंदी सोचते हैं हमेशा हम देखेंगे तो गंदा ही हम ज्यादा सोचते हैं अच्छा बहुत कम सोचते हैं हम तो बहुत सोचते हैं कि इंसान गलत है ये इंसान ये है ये इंसान वो है इंसान कंप्लेन करते रहते हैं रोज और दूसरा को हम सुंगली उठाते हैं और हमको बोलते हैं बट We think a good way very difficult. लेकिन हमारे लिए अच्छा सोचना बहुत मुश्किल है. So that is why the Bible says human way is death. इसलिए बाइबल बताती है कि इंसानों का जो रास्ता है मृत्यु तक ही जाता है. They will lead you to death. वो मृत्यु तक जाएगी. If you go for solution to human way. अगर आप इंसानों के पास जा रहे हैं. If you go to doctors. डॉक्टर के पास जा रहे हैं. One doctor. एक डॉक्टर. One doctor will say other things. Another doctor will say other things. आप एक headache है. 10 doctors जा सको. 10 doctor को हजार तो डॉक्टर बताया था आपका यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर यूरिन के प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दिया वो डॉक्टर का पास आओ क्या है पैरास्टामोल दिया यूरिन के लिए पैरास्टामोल खा सकते हैं और पेन किलर दिया सो दे विल सी द ह्यूमन वे इज कंप्लीटली डिफरेंट आप देखो इंसानों का रास्ता बिल्कुल अलग है बट देयर इज अ गॉड से ह्यूमन वे इज सिम टू द राइट बट इज देयर इसलिए बाइबल बताती है इंसानों का मार्ग देखने में तो सही जान पड़ता है लेकिन होता मृत्यु में There's a God's way is higher than our way. इसलिए परमेश्वर का रास्ता इंसानों के रास्ते से ऊंचा होता है. That's why today my topic is that we need to follow the God's way. इसलिए आज पास्टर बात कर रहे हैं परमेश्वर के रास्ते पे चलना है. And God's way is completely God say love your enemy. परमेश्वर तो कहता है दुश्मनों से प्रेम करो. If somebody beat you, forgive them. कोई अगर वो मार रहा है उसे माफ कर दो. Don't revenge. तुम्हारा बदला मत. Forgive. माफ कर दो. Love. प्रेम करो. Kindness. Humble. Self control. अपने पे नियंत्रण. Righteousness. धार्मिकता. Holiness. पवित्रता. So God's way completely opposite. परमेश्वर का रास्ता इंसानों का रास्ता. And to follow this thing. और इन चीजों पे चलने के. प्रभु बताते हैं हम पवित्र करना है. You need to be a living holy life. तो परमेश्वर कहते हैं पवित्र जीवन जीना है. Very difficult. बहुत मुश्किल है. रोज झूठ बोलते हैं. रोज गलत सोचते हैं. रोज हम लोग का आइडेंटिटी गलत में आते हैं. दिमाग में आते हैं. But when you have a gospel lekin parmeshwar ki atma aapke andar hai very easy to bahut aasan but when you didn't have the gospel lekin parmeshwar ki atma nahi hai so don't follow the human way insano ke raste mein mat chalo it will lead to death to mere jeevan ke follow the gospel parmeshwar ke raste last bible verse aur ant mein saint proverbs of the 21 proverbs 21 verse 2 dusra vachan proverbs of the 21 verse 2 niti vachan 21 ka 2 read मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है परंतु यहोवा मन को जांचता है आमेन सो नाउ द बाइबल से एवरी वे ऑफ मैन इज राइट इन हिज ओन आईज तो बाइबल बताती है परमेश्वर कह रहा है कि इंसान का रास्ता अपने आंखों में तो ठीक ही है सी मेरा नजर तो मैं सही हूं मेरा हिसाब तो हम लोग का जस्ट सही हो मेरा हिसाब तो हम लोग का पास्ता सही है हम लोग का हिसाब तो लेकिन दूसरा का हिसाब तो क्या होता है नहीं आपका बस आपका क्या है पास्ता गलत है आपका पास्ता सोता है आपका बच्चा मणिपुर का है आपका बच्चा आपका पास्ता ही है वो ऐसे सी ह्यूमन वे आवर आईज इज सीम टू बी राइट हिज ओन अंडरस्टैंडिंग तो इंसान तो अपनी नजर में जो देख रहा है उसको ठीक ही लगता है सी सब लोग आप लोग अपना सोच लो आपका इन योर ओन आईज यू थिंक दैट यू आर राइट हम अपनी अपनी नजर में हम सब बहुत अच्छे हैं And your own eyes, you think that you are never wrong. पर आपको लगता है जो मैं सोच रही हूँ सबसे बढ़िया सोच रही हूँ. And your own eyes, you think that this is the best. और आपको लगता है जो मैं सोच रही हूँ सबसे उत्तम है. है ना? Specially लड़का लोग सोचते हैं ना मैं हूँ घर में तो सोचते हैं कि मेरा पत्नी 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 पत्ना और बच्चा लोग इस और सोचते हैं कि गलत है मैं सही हूँ मैं बड़ी हूँ मैं आदमी हूँ मैं करेगा तो करेगा See that is how the human nature. तो इंसान
इंसानों का चरित्र ऐसा ही होता है. Then we can't change. और बदलना भी बहुत मुश्किल है. So there is a human being, our own eyes, we think that this is right. तो इंसानों की जरूरत होता है कि नहीं, जो हम देख रहे हैं सबसे बढ़िया है. But लेकिन God is see the heart. परमेश्वर दिल देखता है. In my Bible say that in Amplified Bible. Bible के पास के जो Amplified Bible. But the Lord weighs the heart of the people. कि परमेश्वर लोगों के दिलों को नापता है तो. And the motive. कि किस मकसद से क्या किया. See आपका eyes तो असल से दिखेंगे, लेकिन आपका दिल. हमें बाहर से कोई कुछ कर रहा है हमें दिख सकता है कि वो अच्छा है या बुरा है, कि प्रभु कह रहा है उसके दिल को देखता हूँ उसने क्यों किया है ऐसा. God is not looking your eyes. परमेश्वर आपके आँखों को आपके हाथों को नहीं देखता. God is looking your heart. प्रभु के दिल को देखता है. आपका आई तो अच्छा दिखेंगे, लेकिन आपका हार्ट इतना गंदा है ना. इंसान ऐसा होता है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं लेकिन अंदर बहुत गंदा, काम गंदा, गलत बात करते हैं, गली देते हैं, सड़क पे गए और मारते हैं और सारी चीज इंसान को हटाने के. So they want to put down others. So हर कोई दूसरे को नीचे ही गिराना चाहता है. That is a human being. इंसान ऐसे. So in your eyes you see that oh वो लड़की बहुत अच्छा है. Oh Ashwarya Rai इतना अच्छा है. आपका eyes भी तो. Ashwarya Rai is the you know beautiful in the world. तो आप ये कह रहे हैं सबसे खूबसूरत औरत दुनिया में. हम लोग का eyes भी. हमारी आँखों. But मालूम नहीं उनका heart क्या है. पर उनके दिल में क्या है वो प्रभु ही जानता है. खाता हुआ मीठा हुआ पता नहीं. So God is looking the heart. तो प्रभु हमेशा दिल ही देखता है. But human being looking the face. पर इंसान शक्ल देखता है. And human being looking outside. बाहर से कपड़े देखता है. And we just one another. और एक दूसरे का न्याय करते हैं. But God looks the heart. और परमेश्वर दिल देखता है. And he's just the heart. और वो हमारे दिलों को जांचता है. That is why. और इसलिए human way. इंसानों का तरीका. Are imperfect. गलत होता है. Human way. इंसानों का तरीका. Always lead to death. हमेशा मृत्यु तक लेकर जाता है. But God's way. कि परमेश्वर का रास्ता. Is lead to life. हमेशा जीवन में. God's way. परमेश्वर का रास्ता. Is best for us. हमेशा हमारे उत्तम होता है. God's way. परमेश्वर का रास्ता. Is giving peace. हमें शांति देता है. God's way. परमेश्वर का रास्ता. Is giving love. हमें प्रेम देता है. God's way. परमेश्वर का रास्ता. Is giving prosper. हमें उन्नति देता है. God's way. परमेश्वर का रास्ता. Is giving success. हमें सफलता देता है. God's way. परमेश्वर का रास्ता. Is giving good health. हमें अच्छी सेहत देता है. But difficult to follow God. पर हमारे लिए करना मुश्किल होता है. But so much we do our own thing. लेकिन हम बहुत कुछ अपने हिसाब से करते हैं. Then last we need to come to God. पर अंत में प्रभु की चलनी पड़ेगी. Then we got the solution. और फिर हमें solution मिलता है. That is how our life. हमारा जीवन है. So today my point is that. तो आज पास्टर क्या कहना चाहते हैं? Let us follow God's way. तो आइए प्रभु के रास्ते पे चलें. If you follow the God's way. अगर प्रभु के रास्ते पे चलेंगे. All your problems will go away. सारे परेशानियां निकल जाएंगी. All your difficulties will go away. सारी मुश्किलें चली जाएंगी. But if you follow your own way. लेकिन अगर आप अपने रास्ते पे चलेंगे. Problem after problem. परेशानियां बढ़ेगी. Difficulties after difficulties. भी बढ़ेगी. Anger after anger. गुस्सा भी ज्यादा आएगा. Financial problem after financial भी ज्यादा होगा. Idol worship after idol. पूजा बार-बार करने का मन करेगा. If you go with the human way. अगर आप इंसानों के तरीके से you are bringing so many pandit. आप अलग-अलग पंडितों को you are bringing so many doctors. बहुत सारे डॉक्टर को बुलाओगे. You are going here and there. इधर उधर भागोगे. And you are wasting your time. पैसा और टाइम खराब. But when we come to God's way. जब प्रभु के पास आओगे. God say I am the way. प्रभु कहता है मैं रास्ता हूँ. To get solution. सॉल्यूशन मिलने का, गेट हीलिंग, चंगाई मिलने का, सॉल्व योर प्रॉब्लम, परेशानी का हल पाने का, छुटकारा पाने का, तो सेव योर फैमिली, आपके परिवार को बचाने का, सेव योर चर्च, आपके चर्च को सेव योर इंडिया, आपके भारत को बचाने का, आई एम द वे, मैं रास्ता हूँ, सो लेट अस फॉलो गॉड, सो आइए प्रभु के रास्ते पे चलें, एंड गॉड्स वे कंप्लीटली डिफरेंट आवर वेज, और परमेश्वर का रास्ता हमारे रास्तों से अलग है, एंड गॉड इज सीइंग योर हार्ट, प्रभु के दिल को देखता है, यू मे बी से समथिंग, आप कुछ कहते हो, बट यू मोटिव भी मेरा, पर आपका मोटिव आपकी सोच अलग होती है, सो गॉड सी योर मोटिव, तो प्रभु का मोटिव देखता है. Obey God. प्रभु के रास्ते में चलें. Worship the true living God. आराधना करें सच्चे जिंदा परमेश्वर. That is the gospel. ये परमेश्वर का रास्ता है. If you do that, अगर आप ये करेंगे, Satan has no chance. शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा. Then go away from भाग जाएगा. Amen. Amen.